अच्छे अच्छे स्कूलों के क्लासरूम भी इतने बड़े नहीं होते हैं जितने अभी यहाँ पर क्लासरूम है। गजब यार। तो अभी हम है ना बाबा साहब के स्कूल पर ड्रोन उड़ाने वाले हैं। आइए आइए आइए। ये देखो मैं कहाँ पर आ गया हूँ। और पता है आपको, यहाँ से मैं ना सतारा जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ जो इतना खतरनाक है कि मुझे रुकने पे मजबूर होना पड़ा। मुझे किसी के मोबाइल से देखना, मुझे खुद जाके देखना। अरे किसी के क्या, मेरे मोबाइल से देख रही है तू? देख ये महाबलेश्वर कितना सुंदर है यार। मैं तो निकल रहा था यहाँ से, मेरे को घूमने थोड़ा आया था यहाँ पे। मैं कहाँ खड़ा हूँ। शानदार व्यू है यार, शानदार। लेकिन ये व्यू इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ मैं जा रहा हूँ ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाबा साहेब पहली बार स्कूल गए, और वो स्कूल में उनको अंदर नहीं जाने देते थे, बाहर बैठ कर पढ़ते थे वो। तो ये तो नेचुरल है, हर जगह होता है। वो एक ऐसी जगह, ऐतिहासिक जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ। वहाँ से गाड़ी आ रही है और मुझे जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी शाम होने से पहले मुझे सतारा पहुंचना है। हाँ सुरेश भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, ठीक है। बताओ आप, क्या हुआ, कुछ हुआ चहल का? तो अभी ये ना सतारा पहुंच चुका हूं मैं, और यहां से बहुत सारी जगहों पे जाने वाला हूं, और यहां का माहौल बताता हूं। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो बाबा साहब के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर क्या भीमा कोरेगांव जाने की प्लानिंग चल रही है अभी से आप लोगों की? जा रहे हैं आप? हाँ जा रहे। तो गाड़ी वाड़ी? हाँ गाड़ी वाड़ी अरेंज कर रहे हैं अपने घर की, मतलब महिलाओं को भी ले जा रहे हैं? महिलाएं भी हैं, बच्चे लोग भी हैं। बच्चे लोग भी हैं। तो ये हर साल करते हो आप? हर साल। और बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि क्या है, हिस्ट्री क्या है। अच्छा लगा वापस आपसे मिलके। जय भीम। जय भीम। लगभग 2.5 साल बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, यहाँ पर एक अम्बेडकराइट फैमिली है, और मैं उनसे यही डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पर बाबा साहब का पहला स्कूल है जो यहाँ पर बाबा साहब ने शिक्षा ली थी। तो यहाँ पर शिक्षा का क्या स्तर है, एजुकेशन का क्या है यहाँ पे? जो मैक्सिमम जो दलित कम्युनिटी है, अम्बेडकराइट कम्युनिटी है, मैक्सिमम वो स्लम एरिया में रहती है। तो स्लम एरिया में रहते हैं तो वहाँ के प्रॉब्लम अलग है। जो माँ बाप है वो माँ बाप जो मजदूरी का काम है, मजदूरी का काम करते हैं। और जो दूसरा जो सबसे ये कि झगड़े करना, ये करना, तो उसका जो इम्प्रेशन रहता है छोटे बच्चों पे, तो वो इम्प्रेशन बहुत बुरा है। लेकिन अभी ये जनरेशन आप ये पकड़ोगे, अभी का जनरेशन तो ये बहुत अच्छे तरह से पढ़ रहे हैं। मतलब आप जाओगे तो हर घर में, अगर मैं खुद भी मजदूरी करता हूँ तो मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ उनको। तो ये बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, ये जनरेशन डेफिनेटली अभी टॉप करेगी। तो बहुत सारे ऐसा नहीं है जो बाबा साहब को मानते हैं, वो यहाँ पर पढ़े लिखे भी हैं और अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं, बट लाइफ जो है ना बहुत स्ट्रगल होती है। लेकिन ये जितने लोगों ने भी एजुकेशन ले ली है ना, वो लोग काफ़ी अच्छे और बड़े स्तरों तक पहुँच रहे हैं। कैसे हो आप? बढ़िया। जय भीम। जय भीम। जय भीम नो बुद्धा है। क्या नाम है आपका? गाथा। गाथा, गाथा ने लास्ट टाइम है ना डांस किया था, वो भी डाला था। कौन सी क्लास में आ गई हो? फिफ्थ स्टैंडर्ड। पढ़ना अच्छा लगता है? बहुत बहुत। कौन से स्कूल में हो? अजिंक्य डिवा पाटिल। अरे वाह, क्या बात है, बहुत, मुझे लगता है बहुत आगे जाएगी ये लड़की। लोगों को पता है बाबा साहब का ये पहला स्कूल है यहाँ सतारा में? हाँ पता है लोग। तो फाइनली हम वहाँ पर आ गए। ये यहाँ का बहुत पॉश इलाका है, मतलब मेन सेंटर में। और कई बार है ना नाटकों में ये दिखाया जाता है कि बाबा साहब का जो स्कूल है ना बहुत छोटा सा था, और है ना बहुत गरीबी में वो पढ़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था सतारा का उस ज़माने का, क्योंकि यहाँ पर राजा महाराजा पढ़ते थे। बाबा साहब के कारण मेरा परिवार पढ़ पाया, और आज हम उनके पहले स्कूल आए हैं, बड़ी बात है। बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है मुझे यहाँ पर अंदर एंट्री लेते हुए। और ये स्कूल बहुत बड़ा है।
खुला है गेट, बंद है, क्या बोल रहे हैं उस साइड से? मुझे लगा कि आज हम आए और यहाँ पे गेट लगा हुआ, हम अंदर नहीं जा पाएंगे। ये जो स्कूल है ये ऐसा कुछ था क्या, पहले इतना बना था बाद में ये बना है? नहीं, ये पहले से ये पहले से ही इतना बड़ा है। तो ज्यादातर लोग ये दिखाते थे कि बाबा साहब जो स्कूल में पढ़ते थे बहुत छोटा था, बहुत नहीं, नहीं, यहाँ तो राजा महाराजा पढ़े हुए हैं। वो जितना ही उतना ही, उसमें ये बाजू वाला कम हुआ है पहले से। अरे यहाँ भी था, इसके आगे भी था, वो भी जगह था इसमें, तो वो छोटा कर दिया गया है। मतलब स्कूल पहले से इतना बड़ा था, इतना बड़ा है। और जो सीरियलों में दिखाया जाता है वो ऐसा नहीं है। ये देख रहे हो यहाँ पे ताला लगा हुआ, छुट्टी है क्या, बंद हो गया है अलग स्कूल? नहीं तो काम चलता, पता नहीं क्या बोला मराठी में, समझ ही नहीं आया मुझे। एक रास्ता है पीछे से अंदर जाने का। स्कूल जो है बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है और है ना जर्जर हालत में तो नहीं था, लास्ट टाइम मैं आया था काफी अच्छी हालत में था, लेकिन फिर भी वो रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट जो मेन स्कूल था ना उसको अभी बंद कर दिया गया है। अब हमें पता नहीं अंदर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन लास्ट टाइम हम जा चुके थे। अभी मेन इंपॉर्टेंट काम जो है वो यहाँ पे हम है ना ड्रोन शॉट लेना चाहते हैं, आपको एग्जैक्ट दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल में बाबा साहब का स्कूल कितना बड़ा था। क्या नाम तुम्हारा? अमर। अमर स्कूल में पढ़ते हो? इस स्कूल में पढ़ता हूँ। इस स्कूल में? हाँ। अरे वाह। हो परंतु मुझे लग रहा था कि शायद ये गेट नहीं खुलेगा, बट हमें एक व्यक्ति मिले हैं जिनके हाथ में सारा कुछ है और वो अभी ये गेट खोलने वाले हैं। और ये स्कूल जब बाबा साहब पढ़ते थे तो इतना ही बड़ा था? ये पढ़ने समय तक भी बड़ा था, इतना ही बड़ा था। इतना आप अपना नाम बताइए जरा। मेरा नाम कामड़े राजेंद्र चुकू। और आप इस स्कूल से? इस स्कूल में हम कोऑर्डिनेटर हैं। आगे बैठेंगे हम, बोलेंगे बिल्कुल उधर बैठेंगे, बैठ के बोलेंगे। अभी गेट खुल गया, चलो 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 चलो। एक स्टूडेंट, ये सारे स्टूडेंट इसमें चार नंबर में बी आर अम्बेडकर का नाम है चौथे नंबर पे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें काफी बड़े बड़े लोग थे, सब बड़े लोग थे, सभी बड़े लोग थे, ये सब एक स्टूडेंट है, 40 एक स्टूडेंट है जिसमें महाराष्ट्र और देश को ज्ञान देने का काम किया है। महाराष्ट्र और उनको मतलब एक पहचान दी उन लोगों ने, पहचान दी है। इसमें जो है सब वो श्रीमंत छत्रपति अन्ना साहेब भोसले ये राजे थे, या हमें ये स्कूल में एक स्टूडेंट थे, ये बहुत बड़ी व्यक्ति है, ये राजा थे, संस्थानिक थे। और दूसरे में श्रीमंत छत्रपति शाहू महाराज वो सातार के थे, सावजी महाराज भी यहाँ से पढ़े हुए हैं। वो शाहू महाराज है तो कोल्हापुर के। अच्छा अच्छा। हाँ दूसरे शाहू महाराज है, सातार के शाहू महाराज है। अच्छा अच्छा। ये आउन के पर्यंत प्रतिनिधि है और इसमें अपने बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम है चार नंबर में। ये स्कूल के माजी स्टूडेंट है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग निर्माण हो गए। ओ मैं पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, सुप्रीम कोर्ट के जज, अच्छा प्रिंसिपल एसपी कॉलेज पुणे, अन्ना साहेब चिरमुले जिसने यूनाइटेड वेस्टर्न लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्थापन की, जिसमें सर डीबी कुपर, धनशाह कुपर जिसने उद्योग क्षेत्र में काम किया है अभी भी काम करते हैं, और जिसमें ये राव बहादुर काले ये रेल शिक्षण संस्था में बहुत बड़ा योगदान उसने दिया है। ये सब जो लोग हैं ये सभी अच्छे लोग हैं, इस माजी स्टूडेंट है। उस जमाने का बहुत बड़ा स्कूल था, जब आप उसको सोचिए यहाँ पे राजा मतलब जितने भी लोग यहाँ पढ़े उन्होंने इतिहास बना दिया। ये स्टाफ रूम था, ये पुराना जद स्कूल का स्टाफ रूम है, ये स्टाफ रूम है। तो उस समय जितने भी एक मिनट जरा पहली माहिती देता हूँ,
बंग बाकी से तुम्हें मैं आपको थोड़ी तकलीफ और दूंगा, मुझे हिंदी में बताना पड़ेगा आपको, लेकिन अभी नहीं, लेकिन घूमते फिरते बताएंगे। और यही मतलब बहुत सा कारण है कि मराठी में ये सारा ज्ञान है, हिंदी में नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि वो हिंदी में लोगों तक पहुँचे, तो मैं आपको तकलीफ देने वाला हूँ ना। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये बाबा साहब के स्कूल का स्टाफ रूम है। यहाँ जितने भी टीचर होते थे ना, वो यहाँ आकर बैठते थे। जो भी आपने फिल्मों में देखा है या आपने जो भी सीरियल्स में देखा है, वो सारे के सारे जो टीचर्स थे वो यहाँ पर आकर अपना समय बिताते थे। और आप यहाँ की नक्काशियाँ देखिए ज़रा, आपको लगता है कि ये कोई छोटा मोटा स्कूल था? क्योंकि मुझे, मैं एक बात जानता हूँ कि बाबा साहब ने जो भी किया वो हमेशा टॉप लेवल पे गए, और ये शिक्षा उनके पिताजी से मिला, क्योंकि वो तो उस समय छोटे थे। उन्होंने भी उनको ऐसे स्कूल में डाला जो एक हाई लेवल का स्कूल था, छोटा मोटा स्कूल नहीं था, ये बहुत बड़ा स्कूल था। उस जमाने में भी ये इतना ही बड़ा हुआ करता था। ये जो प्रिंसिपल्स की लिस्ट है क्या? ये प्रिंसिपल, ये बाबा साहब अम्बेडकर के प्रिंसिपल थे। कौन से वाले? ये रामगवे जोशी। तो ये देखिए, उस समय जो है ना, यहाँ पर जोशी जी थे, वो प्रिंसिपल थे, जिन्होंने उनको एडमिशन दिया। ये बड़ी बात है, अगर वो एडमिशन नहीं देते जैसा सर बता रहे थे, तो वो पढ़ भी नहीं पाते। दापोली की, जो पहली क्लास में जो नर्सरी बोलते थे, हाँ, दापोली में थे वो, एक्चुअली आंबा डवेकर है वो। तो ये देखिए, ये है यहाँ का प्रिंसिपल रूम, कितना बड़ा और भव्य है। ये उस जमाने का ऐसा ही है जब से, या नक्काशियाँ हैं दीवारों पर और बाबा साहब की तस्वीर भी है। आप सोचिए, बाबा साहब जिस स्कूल में पढ़े उस पर कितना बड़ा छाप छोड़ा उन्होंने, कि उनकी तस्वीरें हर रूम में पाई जा रही हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ी बात है। और अभी हम जा रहे हैं बाबा साहब के उस क्लास रूम में जहाँ बाबा साहब पढ़ते थे। यहाँ पर इस तरह से ओपन क्लासरूम होते थे, और ये जैसे ये क्लासरूम है यहाँ पर, और यहाँ पर अंदर टीचर पढ़ाते थे, क्योंकि उस समय ज़्यादा फैन पंखे उनके होते नहीं थे, तो ये पूरी लाइट की व्यवस्था भी यहाँ पर ऐसी ही होती थी। अंधेरा होता हो जाए, उस समय बिजली तो थी नहीं, 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 नहीं। बिजली नहीं थी, तो क्लासरूम जो है ना कुछ ऐसे ही हुआ करते थे। और अब देखिए, ये वो क्लासरूम है जहाँ पर बाबा साहब पढ़ते होंगे। बाबा साहब यहाँ बाहर रह कर पढ़ते थे, और बाकी सारे बच्चे जो है वो अंदर जाते थे। ये एक और क्लासरूम है। बहुत बड़े सब क्लासरूम हैं यहाँ, ऊपर भी नीचे भी। सोचिए आप जरा कि है ना, ये क्लासरूम कितना बड़ा है। मतलब आज भी अच्छे अच्छे स्कूलों के क्लासरूम भी इतने बड़े नहीं होते हैं जितने अभी यहाँ पर क्लासरूम है। गजब यार, गजब गजब। देखिए, अभी हम लोग जा रहे हैं ये स्कूल की लैबोरेटरी देखने, लैब देखने। वहाँ पर उसी जमाने के सामान अभी भी रखे हुए ऐसा बता रहे हैं। जरा क्या हो गया, उसकी क्लीनिंग नहीं हुई। कोई बात नहीं, प्रयोगशाला शानदार। मतलब सोचिए, प्रयोगशाला इतनी बड़ी है यहाँ की, बहुत बड़ी है ये तो। और कितना कुछ है यहाँ पर, ये सब बाहर देश के, वो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया से सामान सब आए। अरे बाप रे बाप, एक्सपेरिमेंट के सब अपैरेटस से, पुराने जमाने के ये सारी चीजें। ये सारी चीज़ें। उसी जमाने के सारे ये दिशा दिखाने वाला है, उसे बोलते हैं दिशा यंत्र है यहाँ पर। अब ये उस जमाने की चीजें हैं, और ये देखने में लग भी रही हैं यहाँ। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर एक चीज यहाँ पर मौजूद है। इस चीज को देखकर आप खुद सोचिए कि उस जमाने में क्या रहा होगा ये स्कूल, कितना बड़ा स्कूल है। और बाबा साहब कितनी मुश्किल से, मतलब उन्हें पूरी अपने, उनके पिताजी ने पूरी मेहनत की उनको पढ़ाने के लिए। पुराने जमाने का रेडियो है, मास्को, लंदन, सब स्टेशन लगाती। ये रेडियो है? रेडियो है, पुराने जमाने का। ओहो, ओ लेकिन ब्रिटिश काल का नहीं वो। ये किताबें हैं उस जमाने की? ओ, इस तरह इंग्रेजी वाली पुस्तक है। ये देखो, केमिकल अपैरेटस, हाइटन स्वॉल लंदन है का। ओहो, लंदन की किताब है ये, लंदन के। ये देखो, यो उस जमाने में जो किताबें थे फर्स्ट एडिट, वो भी लंदन से आए।
फर्स्ट एड की किताब थी। यहाँ प्रेस नहीं थी, यहाँ टशनी भी बनती नहीं थी तब। ये इनको अभी क्या दिखाने के लिए निकाला है क्या इनको? हाँ दिखाने है। ये देखो इसका नाम कहाँ से, लंदन से आगे। उस समय इसकी कीमत एक रुपए है, यहाँ लिखा हुआ एक रुपए कीमत है। और एक रुपए में आज कितना होगा? नहीं उस समय एक रुपए भी बहुत होता था। मैं बता ही सकता मैं आपसे कितना थैंकफुल हूँ आप ये सब चीजें मुझे दिखा रहे हो, हम कभी नहीं देख पाते ये सब चीजें। ये देखिए ये फर्नेस वगैरह का कुछ है यहाँ पर, जहाँ पे हॉट एयर का कुछ तो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। ये सब फिजिक्स का है। ये देखिए ये सब सामान जो है ना वो केमिकल के सब है, सामने रखा हुआ है। ये सब सामान है इसका, ये केमिकल जनरल लेबोरेटरी। ये देखो किधर से आए, लंदन का है, जॉर्जिया लिमिटेड प्रॉपर्टीज बेकर्स। अब आप सोच सकते हो कि बाबा साहब की नॉलेज जो है वो किस लेवल की थी, मतलब उनको कहीं ना कहीं सब चीजों का एक्सेस मिलता होगा। सही में ये तो ग्लोब है, ग्लोब। और ये देखिए पूरा ग्लोब यहाँ पर है उस समय का, मतलब बाबा साहब जब पढ़ते थे उस समय बहुत कम लोगों को पता होगा धरती गोल है और वो यहाँ ग्लोब है यहाँ पर। ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर पण तिकडूनच आलेला आहे तो उसी समय का है। ये देखिए यहाँ चलन में होगा ये यहाँ पे पारा है, मरकरी बोलते हैं जिसको। और वो देखिए ये अभी भी बहुत अच्छी हालत में है और बहुत नाजुक चीज है और अभी भी देखिए ये काम करता है। सोचिए मतलब मैं ये यहाँ आके मैं इतना इंस्पायर्ड हो गया हूँ कि मैं ग्वालियर जाऊँगा ना तो अपने बच्चों को ग्वालियर के सबसे बेस्ट स्कूल में डालने की कोशिश करूँगा। अभी वो बेस्ट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं लेकिन बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। जब बाबा साहेब जो है वो ऐसे स्कूल में पढ़ सकते थे, उनकी परिस्थितियाँ ठीक थी लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी, तो हमको तो अपने बच्चों को सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ाना चाहिए तभी वो, मतलब आप पढ़ाते बच्चों को काम चलाओ स्कूल में और चाहते हो कि वो संविधान लिखें, ये संभव है क्या? नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ आके एहसास हो गई, आपको अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट शिक्षा देनी पड़ेगी तभी ये संभव हो पाएगा जो बाबा साहब ने कर दिखाया। हाँ जी बंद कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उस टाइम यही नाम था, ये नाम था 31 से 32 के बीच में जो वहाँ की क्रिकेट टीम थी, क्रिकेट टीम की फोटो है ये। ओहो 31 और 32 में क्रिकेट टीम थी यहाँ पर, स्कूल की क्रिकेट टीम थी। बताओ आज भी बहुत से स्कूलों की क्रिकेट टीम नहीं होती, 31 32 में क्रिकेट टीम थी। ये देखो ये भी जो है बाबा साहब की बच्ची है और एक टाइम था जब बाबा साहब जो है उनको अंदर नहीं बैठने दिया जाता था, आज जो है यहाँ उनके बच्चे यहाँ देखने आ रहे हैं और पढ़े लिखे हैं और पढ़ रहे हैं और ये इस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जाता होगा। देखिए सामने जो है बोर्ड है और बोर्ड के सामने यहाँ पर बच्चे ज़मीन पर बैठते होंगे और बाबा साहब जो है बाहर बैठते होंगे। ड्रोन उड़ाएंगे तो अभी हम है ना बाबा साहब के स्कूल पर ड्रोन उड़ाने वाले हैं। आइए 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 जो है यहाँ का ये असेंबली होती होगी यहाँ पर जो भी होता है, तो यहाँ पर उस समय असेंबली होती थी और ये पूरा एक जो सेंटर एरिया था ये वो हुआ करता था। और ड्रोन शॉट आपने देखा ही, कैसा लगा बताइए कमेंट करके। मुझे लगता है ये पहला ड्रोन शॉट है जो हमने लिया, इससे पहले यहाँ का कभी कोई ड्रोन शॉट नहीं लिया गया और ये सब की सब जो है इन लोगों के कारण हो पाया क्योंकि इन लोगों ने जितना सपोर्ट दिखाया। और फाइनली बाबा साहब के इस
स्कूल का टूर ख़त्म होता है और बहुत कुछ है यहाँ पर। जब भी आओगे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। देखिए गेट भी जो है ना लकड़ी के हुआ करते थे, ये पिलर भी ये लकड़ी का है, सागौन का है, और ये पूरा ऊपर का जितना भी आपको कुछ दिख रहा है ना ये सब लकड़ी का बना हुआ है और ये उसी ज़माने का है। ऐसा नहीं है कि ये अभी बनाओ या बाबा साहब को पढ़ने के बाद बनाओ।